दोस्तों नमस्कार, इंडिया मीट टीवी में आपका स्वागत। मैं मनदीप सिंह। चुनावी दौर 2023 का शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश से पीएम मोदी की रैली में काफी भीड़ दिखी, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है कि वहां 51 मिनट के भाषण में 44 बार कांग्रेस का जाप किया पीएम मोदी ने। ये कौन कह रहा है? कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा कांग्रेस का नेता है, कॉन्फ्रेंस करके वो बता रहे हैं कि पीएम मोदी कैसे कांग्रेस का जाप कर रहे हैं और प्रवर्तन कैसे हो रहा है। जयपुर में भी पीएम मोदी की रैली। दोस्तों, चुनावी वादे, चुनावी रेवड़ियां बांटने का काम अब शुरू हो चुका है। 2023 के 5 राज्यों में चुनाव, क्या लोगों को आश्वासन दिया, क्या अब देंगे, क्या होगा, क्या करेंगे, ये देखने वाली बात है। इस वीडियो में, इस कॉन्फ्रेंस में देखिए पीएम मोदी की ऊपर कैसे तंज कस रहे हैं पवन खेड़ा और बता रहे हैं क्या इतनी मुसीबत बन गई भाजपा पे कि वो कांग्रेस का जाप करे बिना विशाल रैली का आयोजन नहीं होता। प्रधानमंत्री जी चुनावी दौरों पर थे, मध्य प्रदेश से शुरू करें हम। 51 मिनट के भाषण में 44 बार कांग्रेस का नाम। 1966, हम में से कोई शायद पैदा नहीं हुआ होगा, 1966 की एक फिल्म थी, नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे। तो मोदी जी को शायद वो फिल्म बहुत पसंद है। जिस राज्य में 19 साल से उनकी सरकार हो, वहां जब चुनाव प्रचार करने जाते हैं 51 मिनट में 44 बार कांग्रेस का नाम ले, ये क्या बताता है? यह बताता है अपनी सरकार की उपलब्धियों के नाम पे बताने के लिए कुछ नहीं है, जीरो। जहां आप सत्ता में हैं वहां भी आपको कांग्रेस का सहारा लेना पड़ रहा है। यह आपकी राज्य सरकार की हालत है, यह आपकी केंद्र सरकार की हालत है। इसीलिए कहते हैं नींद हमारी ख्वाब तुम्हारी। अब तो हिमाचल हो या कर्नाटका हो, जहां जहां पांव पड़े मोदी जी के वहां कांग्रेस को बड़ा लाभ हुआ, इसलिए हम उनको अपना स्टार प्रचारक मानते हैं। स्टार प्रचारक कहना इसलिए अच्छा नहीं लगता कि झूठ बहुत बोलते हैं, थोड़ा सच बोलना शुरू कर दें तो हमारे वो सबसे अच्छे स्टार प्रचारक होंगे नरेंद्र मोदी जी। मध्य प्रदेश गए, वहां कहते हैं कि साहब कांग्रेस महिला विरोधी है, कांग्रेस महिला बिल का विरोध करती है। अरे साहब कुछ तो सोच के बोलो, महिला बिल की शुरुआत किसके वक्त हुई थी? 1989 में जब महिला बिल स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, जब संसद में आया, लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में नहीं पारित हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? वो 7 लोग कौन थे जिन्होंने महिला बिल के विरोध में वोट दिया? मैं गिनाता हूं। नंबर 1, अटल बिहारी वाजपेयी जी। नंबर 2, लाल कृष्ण अडवाणी जी। नंबर 3, राम जेठमलानी जी। नंबर 4, जसवंत सिंह जी। आप देखिए, अभी मैंने आपको 4 नाम गिनाए, चारों कौन सी पार्टी के? आपकी पार्टी ने उस वक्त 1989 में जब यह बिल पास हो सकता था, तब आपकी पार्टी के नेताओं ने, आपकी पार्टी के सांसदों ने राज्यसभा में यह बिल गिराया। आ जाइए अब आप 2014 में, 10 साल हो गए होने आए हैं, आपका पूर्ण बहुमत था, आपको पूरा सहयोग विपक्ष से था इस बिल पर, क्यों नहीं लाए? 10 साल आपने गंवा दिए। और अब जब आप लाए हो, तब भी आप 2034, कोई कहता है 2039, 10 साल मिनिमम लगेंगे आपको इस बिल को कानून बनाने में, ये आपकी नियत है। और उसके बाद आपकी हिम्मत देखो कि मध्य प्रदेश में खड़े होकर आप कहते हो कि कांग्रेस इसके खिलाफ है, ये आपकी हिमाकत है, ये आपकी हिम्मत है, ये आपको कैसे आती है हमें नहीं समझ में आता। तो असलियत आपको मैं एक एक बिंदुवार कर सकता हूं, लेकिन अब इसलिए आवश्यकता नहीं है क्योंकि देश
जैसे होता है ना कि सत्यवादी हरिश्चंद्र, कि अगर हरिश्चंद्र ने बोला तो सच है, उसका ठीक ऑपोजिट नरेंद्र मोदी ने बोला तो झूठ है। एक सर्टिफिकेट है, सर्टिफाइड लायर अगर कोई है तो माफ कीजिएगा इस देश का प्रधानमंत्री। आंख बंद करके बिना गूगल रिसर्च किए आपको मालूम पड़ जाएगा कि अगर देश के प्रधानमंत्री ने बोला है तो वो झूठ है। ऐसी छवि इस देश के प्रधानमंत्री की कभी नहीं थी, किसी प्रधानमंत्री की नहीं थी, ना होने चाहिए ना होगी। द ओनली प्राइम मिनिस्टर हु आई एम सॉरी हैज मेड हिमसेल्फ अ सर्टिफाइड लायर। इफ एंड व्हेन ही ओपन्स हिज माउथ ही ओनली स्पीक्स लाइज। आई हैव टोल्ड यू अबाउट द विमेन्स बिल इन हिंदी। इन 1989 व्हेन मिस्टर राजीव गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर द विमेन्स बिल कुड हैव बिकम अ लॉ। How did it not become a law? Because in the Rajya Sabha, it fell short of 7 votes. Who were those 7 people who voted against the women's bill? Atal Bihari Vajpayee, Lal Krishan Advani, Ram Jethmalani, Jaswant Singh. Out of these 7, 4 are the BJP. And in Madhya Pradesh, he goes and says that the Congress is opposed to the women's bill. I'm just giving you one example of his life. If he starts speaking a little bit of truth, he can be our best star campaigner for the Congress and for India Alliance. Madhya Pradesh mein, maine aapko jaisa bataya, 19 saal se sarkar inki. Beech mein 15 mahine hamari sarkar. Us 15 mahine mein, Kamal Nath ji ki sarkar ne kya kya kiya? 6 lakh युवाओं को युवा स्वाभिमान योजना से जोड़ा, 20 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, और महिला सुरक्षा के लिए जब 800 करोड़ सेंटर से मांगे वो नहीं दिए गए। क्यों? क्योंकि वो जो है ना, बिना एयरलाइंस का मंत्री, बिना एयरलाइंस का एविएशन मंत्री इस इतिहास में इस देश के एक ही है, उसको खरीदना था, उसके लिए पैसे चाहिए थे। इस देश में लॉकडाउन तक को डिले किया गया क्योंकि उस बिना एयरलाइन के मंत्री को खरीदना था। ये आपकी सरकार की, ये आपकी पार्टी की, ये आपकी मानसिकता की हकीकत है। और महिला बिल पे आप बोलते हो, जब आप बचपन में शाखा शाखा खेलते थे ना, तो कांग्रेस ने देश को एक महिला प्रधानमंत्री दी थी जो पाकिस्तान से लड़कर बांग्लादेश को आजाद करा रही थी। इसलिए आप कांग्रेस के सामने महिला बिल पर तो ना बोले, महिला अधिकारों पर मत बोलिए। आप खेलिए ब्रिजभूषण के साथ शाखा शाखा और करिए महिला अधिकारों पर चर्चा। आप कहते हैं कांग्रेस को गरीबों की चिंता नहीं। जिस नरेगा ने 23 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया, उस नरेगा का बजट आपने काट दिया। उस नरेगा को आप पानी पी पी कर कोसते हो, फिर आप कहते हो कि कांग्रेस को गरीबों की चिंता नहीं। आपने ना केवल उन 23 करोड़ लोगों को फिर से गरीबी रेखा के नीचे धकेला, 14 करोड़ और नीचे साथ में भेज दिया। तो आप जब भाषण, या तो आपका जो भाषण लिखता है उसको बदल दीजिए, या अपनी शैली बदल दीजिए। आप अब बदले ना बदले, सरकार आपकी अब बदलने वाली है। राहुल गांधी ने एक चुनौती आपके सामने दी, करिकुलम में कास्ट रिजर्वेशन की बात हो रही है। आपकी असलियत उस दिन समझ में आ गई जब संसद में एक्ट्रेसेस थी, राष्ट्रपति नहीं थी। यह मानसिकता बताता है आपकी। क्यों नहीं थी राष्ट्रपति? क्योंकि वो आदिवासी हैं। फिल्म एक्ट्रेसेस आएंगी संसद में लेकिन राष्ट्रपति नहीं आएगी। तभी राहुल गांधी कहते हैं कि आप जातिवादी हो, आप दलितों के खिलाफ हो, आदिवासियों के खिलाफ हो, अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो, महिलाओं के खिलाफ हो, किस मुंह से आप वोट मांगने जाते हैं? किस मुंह से आप बातें करते हैं इतनी बड़ी बड़ी? ब्रिजभूषण को निकाल नहीं पाए, बात महिला अधिकारों की करते हैं। राजस्थान गए साहब कल, राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार पर बरस पड़ते, खुद भूल जाते हैं कि कुछ साल पहले खुद सर्टिफिकेट दे रहे थे
कि कोविड में सबसे अच्छा काम किया राजस्थान सरकार ने, भूल गए, उम्र हो गई है, भूल जाते हैं, हमारे घर में भी बुजुर्ग हैं, भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, उसमें हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। और 2014 से पहले के भाषण तो खुद भी भूलना चाहते होंगे वो। अब की बार मोदी सरकार वाले जो नारे थे, अब ये तो चाहते होंगे भूलने। लोग कहते हैं ना कि मेमोरी बढ़ाने की दवाई लेनी है, साहब हमारे दवाई लेते हैं कि भूलने कैसे भूलना शुरू करूं। डॉलर 75 पार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पर वार, अब की बार मोदी, अब ये तो भूलना ही पड़ेगा ही, याद आ गया तो नींद कैसे आएगी, और जब नींद नहीं आएगी तो हमारे ख्वाब कैसे देखोगे। कहते हैं कल राजस्थान में कि गहलोत साहब ने कुछ काम नहीं किया, पांच साल में 250 कॉलेज बता दें ये इनकी किसी सरकार ने खोले हो तो बता दें, एक उदाहरण दे दें कि साहब हमारी इस फला राज्य सरकार ने 250 कॉलेज से ज्यादा खोल दिया। मैं तो सिर्फ कॉलेज की बात कर रहा हूं, स्वास्थ्य योजना करें, आयुष्मान की बात और तुलना करें उसकी चिरंजीवी योजना से, समझ में आ जाएगा। 25 लाख का इलाज मुफ्त, यह गहलोत साहब की सरकार ने किया। फिस्कल डेफिसिट जो राजस्थान का 9.25% था, आज से 5 साल पहले आज 3% पे आ गया। यह गहलोत साहब ने हासिल किया, यह कांग्रेस सरकार ने हासिल। भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं राजस्थान में जाकर, जिस अजीत पवार को ये चक्की पीसने का वादा करवाते थे कि जेल में बैठकर वो चक्की पीसेगा, आज वो इनके साथ बैठ के बजट बनाता है। ये भ्रष्टाचार की बात करें, आधुनिकीकरण, डिजिटल पेमेंट, कल इन्होंने लंबी लंबी बातें फेंकी कि कांग्रेस ने डिजिटल पेमेंट्स में कुछ नहीं किया। यूपीआई को देश में लाने के लिए आपको नोटबंदी की क्यों जरूरत पड़ी? घर में चूहे आ जाते हैं तो क्या घर को आग लगा देते हो भाई? चूहे मारने की दवाई लाओगे, पिंजरा लाओगे, अलग अलग नुस्खे आजमाओगे, घर को आग लगाते हुए कभी सुना आपने कि चूहे आ गए घर में इसलिए मैंने घर को आग लगा दी? ये हुआ डिजिटल पेमेंट लाने के लिए नोटबंदी कर दी। बताइए कोई क्या बोले इस व्यक्ति को? अब हमें नहीं मालूम कि पूरी शाखा ऐसे ही लोग उत्पन्न करती है या ये एक अपवाद है, हमें नहीं मालूम, हम तो कभी शाखा गए नहीं, ना जाएंगे, लेकिन कुछ तो है शाखा में जहां ऐसे नमूने आते हैं। घर में चूहे आ गए, आग लगा दो, कमाल है साहब। संसद की नई बिल्डिंग है, उसका एक तरह से उद्घाटन है, राष्ट्रपति को मत बुलाओ, एक्ट्रेसेस बुला दो। बताओ ये कौन इनको सलाह देता है, कहां से इनके दिमाग में ये बातें आती हैं? मनमोहन सिंह जी की सरकार, आज उनका जन्मदिन भी है मनमोहन सिंह जी का, भगवान उनको लंबी आयु दे, स्वस्थ रखे और उनका मार्गदर्शन हम सबको मिलता रहे। मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, 60 करोड़ आधार कार्ड मनमोहन सिंह की सरकार ने बना दिए थे और IMPS सिस्टम बना दिया था। टेक्नोलॉजी तो कदम कदम बढ़ती है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ती है। आज सारा श्रेय लेकर बैठे हैं महानुभव। जब मनमोहन सिंह जी ने देश की बागडोर संभाली थी तब लैंडलाइन ज्यादा चलती थी, 15 रुपए प्रति कॉल मोबाइल पे होता था, मैंने भी इस्तेमाल किया है उस वक्त, 12 रुपए हुआ, फिर 10 रुपए हुआ, जाते जाते मनमोहन सिंह की सरकार 3G तक ले आई। ये बात करेंगे मनमोहन सिंह जी की सरकार की? तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि अब सरकारी खर्चे पर जो नरेंद्र मोदी जी अब चुनावी अभियान पे निकले हैं, वैसे तो हमेशा ही चुनावी अभियान पे ही रहते हैं, फिर कहते हैं कि मैं साहब छुट्टी नहीं लेता, अब करते क्या हो, तो छुट्टी लेनी पड़ेगी आपको, अपना भी मनोरंजन करते हो, देश का भी मनोरंजन करते हो, उसमें छुट्टी की क्या जरूरत पड़ी आपको? तो ये कहना कि छुट्टी नहीं लेते, चलिए हम तो खुश हैं कि आप जितना प्रचार करेंगे उतना हमारा खर्चा बचता है, हमें उतना कम प्रचार करना पड़ता है, आप ये करते रहिए और अपने गुरु मोहन भागवत से थोड़ी सलाह भी ले लीजिए, जिन्होंने बोला था कि महिलाओं को 4 दीवारी में कैद करना चाहिए, जरा उनसे भी पूछ लीजिए कि महिला आरक्षण पे उनका क्या सोच है, उनकी क्या, उनका क्या कहना है।
एक हमें आग्रह आपसे करना है कि राष्ट्रपति को यथासंभव सम्मान देने की कोशिश कीजिए। मत ये याद रखिए आपके दिमाग में जो है, आपके जहन में जो शाखा से आपने सीखा है कि वो आदिवासी हैं इसलिए उनको सम्मान नहीं देना, या वो महिला हैं इसलिए उनको सम्मान नहीं देना, गलत है। देश की राष्ट्रपति हैं, देश का गौरव है, उनको आप सम्मान देना सीखिए।